स्टार्क से नॉकआउट किया, गेम खत्म किया, बट वहीं पे मैं देख सकता हूँ माइटी जो आईएम क्लान के उन्होंने यहाँ पे एनकोर को नॉकआउट कर दिया। अब मैं देखूंगा कि किस तरीके से अप्रोच करेंगे, बिकॉज मेगा के सारे प्लेयर्स ने होल्ड ऑन कर रखा है एक अलग एंगल और एक्सट्रीमली लेफ्ट को स्वैग को कवर दे रहे हैं यहाँ पर वैक्सी। सो एनकोर को बचाना काफी जरूरी है, सीधा बैकबोन ऑफ द टीम, वो अपनी टीम को एज ऑर्गेनिक बाइंडर की तरह रोक जोड़ के रखते हैं, एज अ टीम खेलने में मजबूर भी करते हैं, भरोसा भी दिलाते हैं, तो इट्स बेटर कि उनको रिवाइव कर दिया जाए। बट टीम इतने सारे फुटस्टेप्स आ रहे हैं रिडार पे कि बहुत मुश्किल होगा, बट एक यहाँ पे नॉकआउट हो चुका है जेरेफ, एंड जेरेफ को कंप्लीट करना ही एक अच्छा रिजल्ट रहेगा। बट ओके, उन्होंने डोर खोला, स्वैग पे काफी ज्यादा प्रेशर है, टेकिंग लॉट ऑफ डैमेज। यहाँ पे आईएम के पेन ने यहाँ पे स्वैग को नॉकआउट कर दिया, सामने वाले कंपाउंड के अंदर पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स का कवर दे पाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है। और इंस्टेंटली माइटी ने अंदर इनिशिएट किया, बट अफसोस वो एक का शिकार हो गए, और यहाँ पर अनफॉर्चुनेट बट यस दिस न्यूज इज ट्रू दैट हमारी जो टीम मेगा स्टार्स है काफी अर्ली एग्जिट ले चुकी है। बट फिनाटिक का यहाँ पे थर्ड पार्टी पुश आ चुका है, एंड आई एम भी यहाँ पे खत्म होती हुई, बट फाइनल किल यहाँ पे टीई के साहिल 2 के ने लिया है यहाँ पे विद दैट सिंगल टाइप ऑफ M416। फिनाटिक रॉनक को यहाँ पे नॉकडाउन करा है, और यहाँ पे देखते हैं रिवाइव तो मिल जाएगा, उनके पास एक अच्छा कवर है वो फिनिश होती हुई एग्जैक्टली। और यहाँ पे एग्जिस्टेंस की अच्छी खबर ये, और ये आई सुपर का यहाँ पर बिल्कुल चार्जिंग किया उन्होंने, और वहीं पे रोज पे देखिए किल फीड पे धमाका मचा रखा है, बैक टू बैक 4 इयर्स के प्लेयर्स को नॉकआउट करोगे। फिनाटिक की टीम आई है, स्काउट ने यहाँ पे प्रिंस को नॉकआउट कर दिया था, फाइनल प्लेयर जो उनको ढूंढना चाहिए वो है फ्रॉस्ट, जो बिल्कुल कंपाउंड से हल्का सा बाहर है और बिल्कुल प्रोन करके बैठा है, और सामने वाले कंपाउंड में टीम गॉडल, और स्काउट ने पैन से प्रिंस को मारा है, बट सीजी ने वहां पे अपील से उसको स्पॉट कैसे नहीं करा, बट गॉडल एक्सिस्टेंस ने यहाँ पे एश को नॉकडाउन करा, रॉनक ने पीछे से कवर फायर दिया, नाइसली डन बाय हिम, एंड फिनिश भी कर रहे थे सेम टाइम, स्मोकी गॉट फिनिश बाय स्काउट, उसके 2 किल हो चुके हैं यहाँ पे, गॉड लाइक हैज बीन एलिमिनेटेड उनका एक। इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप MYM, बिकॉज MYM तो भाई 2 चिकन डिनर और 15.3 निकाल चुके हैं, और स्काउट यहाँ पे इंसिडेंट नॉकआउट हुए क्लोक से और उनको खत्म कर दिया। समटाइम्स यू नो एग्रेशन मीट डिमाइस, ये बिल्कुल सही बात है, बिकॉज आपकी एक लिमिटेशन होती है, अगर आप उसको क्रॉस करते हैं देन ऑब्वियसली उसके एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं जो आपको बिल्कुल फेस करने पड़ते हैं, वही हुआ यहाँ पर। अभी ओवेस नॉकआउट है, ओवेस को बचाना काफी जरूरी होगा, बिकॉज फिनेटिक हमेशा एक अच्छा गेम खेलकर एंड सर्कल तक पहुंचते हैं, बट कहीं ना कहीं वो कुछ लैक करके अपने आप को कहीं ना कहीं वीक कर देते हैं। इंटेंस के जो MPZ है वहाँ पे सेटन को नॉकआउट किया, वहाँ पे उतनी देर में किल्स हमने एक अच्छा ट्रेड बैक किया, और वहाँ पे एश भी नॉकआउट हो चुके, उधर ओवेस रिवाइव हुए नहीं, एश का गेम खत्म हो चुका है यहाँ पर। बट अगर MYM की मैं किल्स देखना चाहता हूँ, उनके किल्स कितने हैं, ओवेस के यहाँ पे 1 HP है, बट फिनेटिक यहाँ पे ऑलरेडी 10 किल सिक्योर कर चुके हैं, और पोजीशन भी यहाँ पे उनकी अच्छी है जहाँ पे वो टॉप 5 आ चुके हैं। अब देखिए ये 2 प्लेयर ओवेस एंड रौनक कैसे अपने फिनेटिक को आगे लेके जा सकते हैं, बट यहाँ पे अगर हम MYM की बात करें तो 9 किल उनके पास भी है, 3 मैन स्टैंडिंग है। जाल ने यहाँ पे नॉकडाउन करा स्पाइडी को, बट अंदर आए और नॉकडाउन हुए, बट पीछे से एस्ट्रिक का यहाँ पे कवर फायर देख रहे हो, बट यहाँ पे सीजी को यहाँ पे 1 HP, वो इसी प्रोन की मैं बात कर रहा हूँ जो एक रिक्वायरमेंट रहता है जहाँ पे एक इंस्टेंट कवर आप लोगों को मिलता है उस वाले डेप का। एंड VSG का स्क्वाड ये लोग भी 8 किल के साथ 4 मैन स्टैंडिंग है, इनके पास एक बहुत प्यारी पोजीशन है टीम नंबर 5, दैट इज MYM को भी ये लोग दिक्कत दे सकते हैं, ऊपर टीम नंबर 15 जिनको जोन में आना है, एंड वो लोग स्पॉट भी करवा चुके हैं अपने आप को, इंटेंस निकलेगी, एंड VSG क्रॉलर्स अगर उन्होंने कवर बना दिया एक व्हीकल का बहुत प्यारा, वो लोग भी व्हीकल में बैठ रहे हैं, देखते अगर दो अगर प्लेयर साइमल्टेनियसली अगर स्प्रे डालते हैं तो उनको इंस्टेंट 4 किल मिल सकते हैं। लाइक इट्स अ गुड थिंग टू वॉच, और यहाँ पे फिनेटिक 2 प्लेयर्स के साथ, वहीं पे MYM 3 प्लेयर्स के साथ, और इंटेंस और क्लॉरस के चारों प्लेयर जिंदा है। MYM शैडो नॉकआउट हो चुके ओवेस के द्वारा, और यहाँ पे क्लोक ने रिप्लाई किया ओवेस को नॉकआउट करके, ओवेस को खत्म भी कर दिया क्लोक, अकेले बचे रौनक, एक बुलेट काफी रहेगा उनका गेम यहाँ पे खत्म करने के लिए, एंड यस क्लोक जस्ट लैंडेड हिज प्रिसाइज शॉट, और यहाँ पे फिनेटिक का सफर खत्म होता है 4th पोजीशन पे, एंड टोटल पॉइंट्स फिनेटिक ने अपने झोली में डाले हुए 17 पॉइंट्स। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त क्रॉलर्स और इंटेंस में से ही MYM में से कोई टीम जीत पाएगी, बिकॉज इंटेंस कहीं ना कहीं लैक करी जाएगी, आई नो बिकॉज इस दोनों टीम्स के हाथ बिल्कुल गर्म है, दे नो हाउ टू एग्जीक्यूट ईच एंड एवरी पॉसिबल थिंग। यहाँ पे VSG के प्लेयर स्प्रे कनेक्ट करने की कोशिश करी, यहाँ पर शायद से नॉकआउट हो चुके हैं इंटेंस के प्लेयर ने वहां पे नॉकडाउन करा, बट MYM के पास यहाँ पे 11 किल्स है, वो लोग जोन के अंदर ऑलरेडी एक बेटर पोजीशन में, VSG को जल्दी ये फाइट निपटानी पड़ेगी बिकॉज इंटेंस के 3 प्लेयर बचे, एंड PZ को उन्होंने नॉकडाउन करा है भले ही, बट एक जोन के अंदर जाना भी उनके पास एक टारगेट है, और ऊपर से इवो ने यहाँ पे अच्छा नॉकडाउन करा राइडर को, एंड वो कार बर्स्ट करेंगे, दैट वाज अ गुड वन बाय क्लोक, बट वो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा VSG के लिए बिकॉज एक कवर वहां पे बन चुका, बट इंटेंस का PZ यहाँ पे राइट साइड से आता हुआ, बट एक अच्छा कवर फायर वहां पे देखने को मिला, MYM बिलीव ने यहाँ पे NB को नॉकडाउन करा, बट किल्स यहाँ पे MYM ने भी निकाले जहाँ पे उन लोगों ने ग्रेनेड्स फेंके, बट रोच ने यहाँ पे इंटेंस जाल को जो फिनिश करा था उनका किल उनको मिला। सो दिस विल बी 2 vs 3 सिचुएशन जहाँ पे MYM के पास 3 प्लेयर्स है, अवी एंड रोज बचे हैं यहाँ पे VSG क्रॉलर्स के लिए। क्या ये वाला मैच
मेहम अपने जोली में डाल पाएगी, बट यहाँ पे अभी को नॉकडाउन करा एंड वापस से 3 vs 1 फाइट. रोज के पास एक चैलेंज है जहाँ पे वो अपनी टीम को वो एक्स्ट्रा 6 पॉइंट वो सर्वाइविंग पॉइंट निकाल के दे सकते हैं, बट फ्री फायर यहाँ पे दिया एंड अभी को फिनिश करा. क्रॉलर रोज के पास यहाँ पे 1 HP है एंड ही गॉट फिनिश्ड. एंड मेहम यहाँ पे आज के दिन का 3rd चिकन डिनर निकाल के जाती हुई विद दोज 15 kills चिकन डिनर. एंड मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे ज्यादा पॉइंट्स रहेंगे अगर एक पर्टिकुलर डे की बात करो तो. क्या